इसी आतंकी हमले को लेकर जयपुर रेलवे स्टेशन पर भी अलर्ट जारी किया गया है। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता अभिमन्यू के साथ। जी अभिमन्यु, बताएं अलर्ट को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं जयपुर में अभी? जी, जैसे ही गृह मंत्रालय ने पूरे देश के अंदर अलर्ट जारी किया है, उसके बाद प्रदेश के अंदर भी प्रदेश के गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। अभी रेलवे स्टेशन पर जो भी यात्री आ जा रहे हैं, उनके सामान की पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है और जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है उसको पूरी तरीके से CCTV कैमरों के माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। और जितना भी यहाँ पे पूरा पुलिस का हमला है, आज पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि ये काफी बड़ा आतंकी हमला जो गुरदासपुर में हुआ है वो उसकी तैयारियां और उसके जायदे के को लेकर के जो पूरा पुलिस अमला है, स्टेशन और जितनी भी जो सार्वजनिक स्थान है उन सभी जगहों पर पुलिस हर जगह पर मुस्तैद नजर आ रही है। और जितनी भी ये CCTV जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी पूरी पुख्ता मॉनिटरिंग का काम भी यहाँ पे हो रहा है और जो सर्विलेंस रूम है उसके अंदर लगातार जो CCTV कैमरे हैं उनके फुटेजेस को देखा जा रहा है, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं पर कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है, और पूरी पुलिस यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है। यात्रियों का सामान पूरा आप देख सकते हैं मेरे पीछे, पूरा चेक होने के बाद ही भेजा जा रहा है और हर जगह पर पुलिस की महिला और पुरुष पुलिसकर्मी हर जगह पर मौजूद नजर आ रहे हैं। जी अभिमन्यु, इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन के साथ साथ और कहां पर अलर्ट को देखते हो और कहां कहां सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी, सिंडी कैंप बस स्टैंड है, वहाँ पर भी पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस आतंकी हमले के मद्देनज़र बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। और जो जहाँ जहाँ पर सार्वजनिक गतिविधि ज़्यादा होती है, जहाँ जो पब्लिक का आवागमन ज़्यादा होता है, उन सभी क्षेत्रों पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम हैं और सुरक्षा के जो इंतजाम पूरे किए गए हैं। जी अभिमन्यु, तो आपका कहना है कि शहर के बड़े बड़े मॉल्स, थिएटर्स, इन सभी जगह पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं पब्लिक को देखते हुए? जी बिल्कुल, इस जो जितने भी बड़े मॉल हैं जहां पर पब्लिक का जो आवागमन काफी ज्यादा होता है, उन सभी पर पुलिस ने दिशा निर्देश दिए हैं। उनके जो मॉल्स की सिक्योरिटी है उसको दिशा निर्देश दिए हैं कि वो पूरी तरीके से जो भी मॉल के अंदर आता है, जो भी व्यक्ति संदिग्ध लगता है या जो उसको पूरी पूरा चेकिंग करने के बाद ही मॉल में अंदर घुसने की अनुमति दी जाए। और पूरे शहर में हर जगह पर आप आज पुलिस के इंतजाम देख सकते हैं, जहां पर भी सार्वजनिक स्थान है, जहां पर पब्लिक का मूवमेंट ज़्यादा होता है, उस हर जगह पर पुलिस मुस्तैदी से नज़र आ रही है। और जितने भी CCTV कैमराज और जो पुलिस के पास भी हैं, जो शहर में अलग अलग स्थानों पर लगे हुए हैं, उनकी भी पूरी मॉनिटरिंग आज पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है। जी बिल्कुल अभिमन्यु, इस तमाम जानकारी